नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज कार हादसे में घायल हो गई। ये हादसा उस वक्त हुआ जब वह वर्धमान से एक बैठक में शामिल होकर लौट रही थी। इसी दौरान कार में अचानक ब्रेक लगने से ममता के माथे में चोट लग गई। हालांकि हादसे के बारे में अभी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं आई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री ममता की कार तेज रफ्तार में आ रही थी। इसी दौरान रास्ते में एक ऊंची जगह आ गई। इसके चलते ड्राइवर ने तेजी से ब्रेक लगाया। अचानक ब्रेक लगने से कार में बैठे लोग असंतुलित हो गए, जिसके चलते ममता बनर्जी के माथे पर चोट आ गई। इस बात की जानकारी यहां पर दी जा रही है। ममता बनर्जी की ये चोट कितनी गंभीर, इस बारे में तत्काल जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि बताया जा रहा है माथे पर हल्की चोट लगी है। ममता बनर्जी वर्धमान में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक के बाद प्रदेश की राजधानी कोलकाता लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में उनकी कार इस हादसे का शिकार हुई। हालांकि चोट गंभीर नहीं होने से ममता के शुभचिंतकों ने राहत की सांस ली है। आपको ये बता दें कि अभी ममता बनर्जी ने एक बड़ा ऐलान किया था। ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर यह कह दिया था कि पश्चिम बंगाल में वो अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को नकारती हुई नजर आई थी और उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस पार्टी के साथ गठजोड़ में नहीं आने वाली है, अकेले पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेंगी। जिसके बाद कई कयास यहां पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी की कार का एक्सीडेंट यहां पर हुआ है, उसमें सीधे तौर पर आपको ये बता दें कि कोई बड़ा नुकसान यहां पर नहीं हुआ है। ममता बनर्जी को गंभीर चोट नहीं आई है, सिर्फ माथे पर चोट आई है। और जिसके बाद यहां पर राहत की खबर ये है कि ममता बनर्जी अब अपने घर की तरफ रवाना हो गई हैं।